नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अभी मैं हूं दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में, और यहां पर मैं आया हूं एक स्टेकेशन के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वर्चुअल टूर ऑफ माय होटल जहां पर मैं स्टे कर रहा हूं। इस होटल का नाम है कंट्री इन एंड सूट्स बाय रेडिसन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी किसी स्टेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो क्या आप इस होटल को कंसिडर करें या ना करें। और इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पर पर्सनली कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो काफ़ी डिटेल वीडियो होगा ये, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने होटल कहाँ से बुक करवाया और क्या मैंने इसके लिए प्राइजेस पे करें। और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी इस होटल के बारे में दिखाऊंगा या जो भी बताऊंगा वो सारा कुछ मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये होटल रहने वाला है। और दोस्तों, अगर हम होटल की लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं होटल जो है वो काफ़ी इजीली एसेसिबल रोड पे है। आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी सड़क यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप अपनी गाड़ी को ईजिली यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर बाहर भी पार्किंग का स्पेस है और उसके अलावा होटल के अंदर भी काफ़ी सारी गाड़ियों का पार्किंग का स्पेस है। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ के रिसेप्शन एरिया की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का रिसेप्शन एरिया रहने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं रिसेप्शन एरिया। ये अब हम आ गए हैं इस होटल के रिसेप्शन एरिया की तरफ, और रिसेप्शन एरिया पर एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। और इसके ठीक साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। और गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर कुछ काउचेस भी रखे हुए हैं जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं जब तक आप अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। यहाँ से ठीक आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा इनका रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर आप अपना लंच डिनर या ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और उसके ठीक साथ में यहाँ पर आपको एक बार सेक्शन भी मिल जाएगा जहाँ पर अगर आप कुछ अपनी ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ड्रिंक्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इनके हैप्पी आवर्स भी चलते हैं तो आप वो एक बार होटल में जाकर के कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इनके हैप्पी आवर्स चल रहे हैं। और ये अब हम आ गए हैं होटल के कॉरिडोर एरिया में, और अब मैं आपको देता हूँ अपने रूम का एक क्विक टूर। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने होटल के रूम के अंदर और मैं आपको देता हूं अपने रूम का एक क्विक टूर। आप देख सकते हैं जो हमारा रूम है वो 5th फ्लोर पे है, रूम नंबर 502, जिसके लिए हमारे को एक की कार्ड मिला है। की कार्ड को यहां पे लगाएंगे तो सारी लाइट्स जो है वो आपकी ऑन हो जाएंगी। रूम में अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काफी बड़ी अलमीरा देखने को मिलती है। ओवरऑल अलमीरा का जो साइज है वो काफी बड़ा है। इसके अंदर आपको एक सेफ भी मिल जाती है जहां पर आप अपने कुछ वैल्यूबल आइटम्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इजिली रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ हैंगर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप ओवरऑल काफी अच्छा स्पेस है। आपके साथ में जो लगेज होगा आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ ठीक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और लगेज प्लेस करने के लिए एरिया मिलता है जहाँ पर आप अपने बैग्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको शू रैक मिल जाता है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काउंटर टॉप मिलता है जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आपको पानी की बॉटल्स मिल जाएंगी, और उसके साथ में यहाँ पर आपको टी कॉफी मेकर मिल जाता है जहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी चाय कॉफी वगैरह बना करके इजिली आप इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक मिनी फ्रिज जहाँ पर आप कुछ भी अपने साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पर अपनी ड्रिंक्स वगैरह को रख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले यहाँ का वॉशरूम दिखाने के लिए, यहाँ पे आपको किस तरीके का वॉशरूम मिलता है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा सा नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलता है। काफी बड़ा मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन की प्लेसमेंट यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारी टॉयलेटरीज मिल जाती है और टॉवल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक बेस्ट चीज जो मुझे लगी यहाँ की वो ये है कि यहाँ पर आपको वेट एरिया जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट वेट एरिया मिलता है, मतलब सेपरेटेड है, वेट एरिया अलग है और ड्राई एरिया अलग है। और इस तरफ यहाँ पर कमोड की प्लेसमेंट है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अब आगे का रूम दिखाने के लिए, आइए मेरे साथ। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा सा मिरर मिलता है। आपके साथ में लेडीज वगैरह है उनको तैयार होना है, यहाँ पर इजिली वो तैयार हो सकती है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल्स मिलती है, तो ओवरऑल आपको चार कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल्स मिल जाती हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक 32 इंच का टीवी मिल जाता है, साथ ही साथ डिश टीवी भी लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक वर्क स्टेशन जहाँ पर आप कुछ अगर अपना ऑफिस का कुछ काम वगैरह करना है तो आप इजिली यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लैंप भी मिल जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेयर मिल जाती है और एक टेबल मिल जाता है, यहाँ पर बैठ के आप अपनी चाय कॉफी को इजीली यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बेड किस तरीके का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किंग साइज का बेड मिलता है, और अगर बेडिंग की बात करें तो काफी कंफर्टेबल बेडिंग है और नीट एंड क्लीन बेडिंग है। बेड के दोनों तरफ आपको
साइड टेबल्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको साइड लैंप्स भी मिल जाते हैं और रीडिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं। तो गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए काफी अच्छी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आपको बाहर का व्यू किस तरीके का देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर हम बाहर के व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी वाइड एंगल आपको ग्लास मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू है, ओवरऑल सिटी का व्यू आपको मिलता है। और अगर आप थोड़ा दूर देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से आपको थोड़े थोड़े पहाड़ों का भी व्यू मिल रहा है। अरावली रेंज का यहाँ से आपको व्यू मिल जाता है। सिटी व्यू है, ओवरऑल शांत व्यू है, काफी अच्छी जगह पे लोकेशन जो है होटल की वो काफी अच्छी लोकेशन है। तो कुछ इस तरीके का रूम आपको, अगर आप यहाँ पर डीलक्स रूम बुक कराते हैं तो इस तरीके का रूम आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये हम आ गए हैं इस होटल के टॉप फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे यहाँ पर आपको एक छोटा सा जिम सेक्शन भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेसिक जो जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, और उसके अलावा कुछ वेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं और जिम वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस होटल में आएंगे तो आप जिम की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अब दिखाता हूँ कि टॉप फ्लोर पे यहाँ पर आपको पूल एरिया भी मिलता है। तो चलिए अब आगे चल के देखते हैं कि पूल किस तरीके का है। और ये है इस होटल का रूफ टॉप एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए कुछ सोफा वगैरह लगे हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बैठ के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके ठीक बराबर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक स्विमिंग पूल जिसकी डेप्थ है 3 फीट के अराउंड। तो आपके साथ में बच्चे भी हैं तो वो इजिली यहाँ पर स्विम कर सकते हैं। छोटा सा स्विमिंग पूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आप यहाँ पर अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस होटल के रेस्टोरेंट एरिया की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरीके के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी, जिसके अंदर आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ अगर आप कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं तो आपको कॉन्टिनेंटल फूड भी मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ लाइव काउंटर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर साउथ इंडियन फूड आपको मिल जाएगा, जैसे कि डोसा वगैरह या ऑमलेट वगैरह, ये सब अगर आपको चाहिए तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर हम खाने के टेस्ट की बात करें तो जो खाने का टेस्ट था वो मुझे एवरेज लगा था, खाने का टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया था। बाकी ऑप्शंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। तो दोस्तों ये था इस होटल का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो एट द एंड। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद आई और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद आई। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद आई। तो उसके अंदर यहाँ की जो सर्विस थी वो सर्विस मुझे पर्सनली पसंद आई। अगर कोई भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी तो वो हमारे को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दी गई थी। और उसके अलावा जो रूम है वो रूम मुझे पर्सनली यहाँ का पसंद आया, थोड़ा स्पेशियस रूम था और अच्छा नीट एंड क्लीन रूम था। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी है दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ की मुझे पसंद नहीं आई वो है यहाँ का पूल एरिया। जो पूल था वो गंदा था, मतलब उसमें साफ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। बेसिस द नेम, जैसे कंट्री इन सूट्स काफ़ी अच्छे होटल की चेन है तो यहाँ पर पूल एरिया एटलीस्ट साफ होना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था उसके अंदर जो वैरायटी थी वो वैरायटी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, और जो खाने का टेस्ट था वो भी थोड़ा एवरेज ही था। तो वो चीज़ ऐसी है जिसको होटल मैनेजमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। बाकी मैंने भी यहाँ पे फीडबैक दिया है कि ये चीज़ ऐसी है जो कि सुधारनी चाहिए आप लोगों को। और अब हम बात करते हैं कि इसको मैंने कितने का बुक करवाया था और कहाँ से बुक करवाया था। तो जो इस होटल के लिए मैंने प्राइस पे किया था वो था अप्रोक्सीमेटली 2,800 रुपीज़, जिसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और उसके अलावा मैंने ये बुकिंग करवाई थी makemytrip.com के थ्रू। बाकी आप और भी वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ बेटर डील मिल जाए। बाकी 2,800 रुपीज़ में जो हमारा स्टे था ओवरऑल कंफर्टेबल था, मैं ज़्यादा इसके लिए कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो आप अगर चाहें तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।